वो आज अभी अभी खत्म हो गई, कल रात को, आज सुबह से इस देश के सभी प्रमुख नेता, आपने देखे होंगे लगभग सभी 28 पार्टीज के प्रमुख नेता, 6 राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल हो गए। ममता जी जल्दी चली गई है और अखिलेश यादव भी मीटिंग में थे कल से, वो भी जल्दी चले गए हैं। और इंडिया अलायंस जो हमारा गठबंधन है, वो गठबंधन बहुत ही मजबूती से उभर कर सामने आ रहा है। यस, ए आवाज का आवाज क्या करें, आपको सुनाई आ रहा है क्या? आप सुन सकते हैं, यहां नहीं सुन सकते, यू कांट हियर। कल रात को और आज पूरे दिन 3 बजे तक लगभग सभी प्रमुख विषयों के ऊपर चर्चा हो गई। कुछ इंपॉर्टेंट रिजोल्यूशन भी हमने पास किए हैं और खास करके इंडिया अलायंस की कोऑर्डिनेशन कमेटी, 14 मेंबर कोऑर्डिनेशन कमेटी, उनका स्ट्रक्चर हो गया है। बाद में कैंपेन कमेटी है, वर्किंग ग्रुप ऑफ सोशल मीडिया है, वर्किंग ग्रुप ऑफ मीडिया है और वर्किंग ग्रुप ऑफ रिसर्च है। ये 4 प्रमुख कमेटी का भी गठन हुआ है और सभी अलायंस पार्टी के मेंबर्स उस कमेटी में इंक्लूड कर दिए हैं। 2 पॉलिटिकल रिजोल्यूशंस भी है, उस बारे में आपको आदित्य ठाकरे जी बताएंगे। और जिस तरह से ये इंडिया गठबंधन की ताकत बढ़ रही है, जैसे मैंने कल कहा कि 2024 का चुनाव हम जीतने जा रहे हैं, और मैंने ये भी कहा गठबंधन की तरफ से, अब इंडिया को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, इस प्रकार का एक मजबूत गठबंधन हमने बनाया है। लगभग सभी नेताओं ने इस चर्चा में पार्टिसिपेट किया है, अपने विचार भी व्यक्त किए हैं, कुछ सुझाव भी दिए हैं। प्रमुख नेता आपसे डायलॉग करेंगे, उसके बाद आपके सवाल, बहुत ही सिलेक्टेड सवाल के जवाब दिया जाएगा, लेकिन ये आधा घंटे के ऊपर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं चलेगी, आपको मैं बताना चाहता हूं। कमिटी का पूरा जो ब्यौरा है या पूरी कमिटी है उसका लिस्ट आपको दी जाएगी, यहां पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो मेन कमिटी है, कोऑर्डिनेशन कमिटी, 14 मेंबर, सिर्फ उसके नाम मैं आपके सामने पढ़ लेता हूं। श्री केसी वेणुगोपाल, इंडियन नेशनल कांग्रेस, श्री शरद पवार जी एनसीपी, श्री टी आर बालू डीएमके, श्री हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा, श्री संजय राउत शिवसेना, श्री तेजस्वी यादव आरजेडी, श्री अभिषेक बैनर्जी टीएमसी, श्री राघव चड्डा, ऑलरेडी गिवन, ओके प्रिंट आउट ऑलरेडी गिवन, मुझे लगता है अब पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं अभी, यू आर नॉट रिसीव, तो ठीक है। तेजस्वी यादव आरजेडी, अभिषेक बैनर्जी टीएमसी, राघव चड्डा आप, जावेद अली खान समाजवादी पार्टी, लल्लन सिंह जनता दल यूनाइटेड, डी राजा सीपीआई, ओमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस, महबूबा मुफ्ती पीडीपी, सीपीआई एम का नाम आ जाएगा, लेकिन बाकी जो कमिटी के जो नाम है आपके पास आ जाएंगे। मैं अब आज के जो स्पीकर्स है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष हमारे नेता
मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को कि आप सॉरी नाम तो आपने दिया है। मैं इस आज के इंडिया बैठक के होस्ट, दो दिन से जो आप देख रहे हो ये पूरा मीटिंग का लीडरशिप, पहले रेजोल्यूशन आप कर रहे हो, जो रेजोल्यूशन आज के बैठक में हुए है, जो पॉलिटिकल रेजोल्यूशंस है, उस बारे में आदित्य ठाकरे जी आपको बताएंगे। नमस्ते, जय हिंद। आज इंडिया पार्टीज ने 3 रेजोल्यूशंस पारित करे हुए हैं, उसको मैं पढ़ के दिखाता हूं। पहला रेजोल्यूशन यह है कि वी द इंडिया पार्टीज hereby resolve to contest the forthcoming Lok Sabha elections together as far as possible. Seat sharing arrangements in different states will be initiated immediately and concluded at the earliest in a collaborative spirit of give and take. Dusra resolution ye hai, we, the India parties, hereby resolve to organize public rallies at the earliest in different parts of the country on issues of public concern and importance. Aur teesra resolution ye hai, we, the India parties, hereby resolve to coordinate our respective communications and media strategies and campaigns on the theme of Judega Bharat, Jeetega India in different languages. Thank you. Jai Hind. मैं इस इंडिया मीट के होस्ट शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे जी से विनंती करूंगा कि आप ओपनिंग रिमार्क्स शुरुआत करें। वेलकम टू के मॉल, अ प्रीमियम प्रोजेक्ट बाय कलीन ग्रुप। K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new-age design. Book now